परवेला परवे जल्दी ला। हाय हाय, हम लोग भी हैं। हेलो, चल ला परवेला। पागल है मैं भाई, पागल। नमस्ते, तो कैसा आप लोग, इट्स अनदर विद मैनी ब्लॉग। सबसे पहले आप लोग को आज जाकर के ईद की मुबारकबाद देता हूँ, आपको भी और आपके घर वालों को भी। तो आप लोग ईद में बहुत सारी खुशियाँ मनाएं। फिलहाल तो लॉकडाउन हो रहा है तो समझ लो उतनी ज़्यादा मज़ा तो आएगी नहीं, लेकिन फिर भी हम लोग जितना ट्राई कर सकते हैं करेंगे, प्रिकॉशन लेते हुए, मास्क वास्क पहनते हुए, कहीं जाना वाना है नहीं, फिर भी चल अपना जो मज़ा होता है वो करेंगे। फिलहाल अभी आप लोग कुछ बताने की जरूरत नहीं, फिलहाल देख रहे हो टाइम हो रहा है 5। अभी मैं हो चुका हूँ रेडी, जस्ट नहा करके अपना गुसल उसल ले लिया। गुसल होने के बाद मैं जा रहा हूँ डायरेक्ट अभी मैदान में अपना नमाज अदा करने के लिए। तो चलिए आप लोगों को भी दिखाता हूँ बिना किसी लेट किए, क्योंकि अभी वक्त हो रहा है यहाँ पर 5:30 बजे, नमाज भी रखी गई है ईद की। तो चलिए चलते हैं बाहर जा करके। तो गाइस अभी चप्पल मैंने पहन लिया और हाथ में मेरे जन नमाज, क्योंकि मैदान में हो रहा है। चलते हैं आगे नमाज अदा करने के लिए। तो अभी मैं दोस्तों आ चुका हूँ नमाज अदा करके घर। ये देख सकते हो दादा यहाँ से पापा और पापा वहाँ पे खड़े हैं, और घर पूरा सन्नाटा लग रहा है क्योंकि अभी सब रेडी हो रहे हैं, हमें ड्रेसअप ले रहे हैं। और इधर रहा ईद का स्पेशल सेवई, दादा पापा उधर मंजले पापा मास्क लगा कर सेवई, और क्या चाहिए, इलायची है, इलायची खा लिया दादा, इम्यूनिटी सिस्टम। तो गाइस ईद की सबसे खासियत बात हम लोग को मिलता है ईदी, दीजिए पापा पैसा, दीजिए ईदी, दीजिए दे पर भी दीजिए 500 रुपया का होगा। देखिए मेरा भी 50 रुपये पर भी जा रहा है, सब चाचा लोग से कलेक्ट करेंगे और बाहर से जितना आएगा सबसे कलेक्ट करेंगे। बचपन में सबसे मिलता था, अभी नहीं मिलता किसी को कुछ भी। तो अभी लेकर के चलते हैं मंझले पापा पास और उनसे मांगते हैं ईदी कावा। पर भी दीजिए, पर भी दीजिए, पर भी दीजिए, पर भी दीजिए, दे पापा दिए 50 रुपया, हम मुस्ती पापा देंगे अभी, दिए पर भी दीजिए। देखते कितना मिलता है यहाँ, बचपन में सबको मिलता था, अभी नहीं मिलता, बड़ा हो गया तो कमाने लगा है। यहाँ मिला 100 रुपया। अब चलते हैं दादा के पास, छोटा दादा के पास। रुक गए यहाँ पे, फोटो ले लिया 10 रुपया। देखिए यहाँ पर मंझले पापा दे रहे दादी को 500 रुपया ही दी, दादी को 500 दिए, हम लोग हमको 100 रुपये दिए, ऐसा का ये बहुत दिन की बात है। फिर मिल रहा हमको, देखिए ज्यादा नहीं 10 रुपये बहुत है। अरे फटा हुआ नोट दे रहे, फटा 51 रुपये फातिया का चिरागी दे रहे का। अभी जा रहे लेते सिंधा पास पैसा, मम्मी से पर भी लेते, दिया मम्मी पर भी दीजिए। ये रहा अम्मी का पर भी ईद का, अम्मी ने दिया हमको, मम्मी ने दे दिया, पापा हमको 50 रुपये दिए। तो यहाँ देखिए फिर से पर भी पैसा गिना जा रहा, खुचड़ा पैसा करवा कर लाया पापा। पापा दीजिए मोबाइल लॉक कर दिया। तो अभी चलते हैं, लोग देखो बंदर लोग सब फोटो शूट कर रहे हैं यहाँ पर। पर भी दो, पर भी दो, भाई बड़ा भाई देंगे ना, पर भी ला, पर भी जल्दी ला। हाय हाय, हम लोग चलना परवीला, किसको इसको चाहिए, परवी पागल है, मैं भाई पागल है, किसको इसको परवी चाहिए जल्दी बोलो। हम लोग भी चाहिए, लो इन लोगों को परवी देते हैं, कितना है गिनो। देखो भाई पैर परवी दिया है 100, 150, 250 है। हाँ तो सब चारों बांट लो जा करके, ठीक है, थैंक यू। लो वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट। चलिए अब जा करके देते हैं दादी को, पर भी चुपचाप से एकदम अचानक से देंगे, ठीक है। पर भी दादी हमको ले,
पर भी है तो वो बाद में मिलेगा आपको। काम कर तो लोगों के बंद हो लिए पर भी लीजिए तो काम कर जाए। दादी काम कर जो पानी बिखरी जाता रहा वो भी खत्म हो गया। लीजिए पर भी लीजिए तो घर में है ये के दादी जो देखिए दादा पर भी नहीं ले रहा पर भी दे रहे तो मैं पर से मिला 13,000 तो घर के पोछाड़ा में लगा दिए। पहले इधर पकड़िए तो उसका बाद में पकड़ेंगे उसको दिखलाने के लिए पकड़ेंगे हम। अरे उसको नहीं दिखाई के लिए पकड़ लिए इसको हटा दिए इसको हटा दिए तो दादी का दे दिया पर भी देखो उसको बोल दिया। तो गाइस चलिए थोड़ा बाल बाल सेट करके निकलते हैं बाहर मास्क वास्क पहन करके थोड़ा हीरो बन जाएंगे। फिर से 10 रुपया 5 रुपया बटाना चालू हो गया। सबसे खूबसूरत रंगिया लग रहा है सो फाइनली अब वक्त हो चुका है हम लोग का कब्रिस्तान जाने का। नमाज पढ़ने के बाद ही डायरेक्ट हम लोग को पहले कब्रिस्तान जाना होता है। वहाँ पे जाकर के हम लोग को पढ़ना पड़ता है फातिहा जो भी हमारे घर से पर्दा फरमा चुके हैं। तो अभी चलते हैं डायरेक्ट हम लोग जाकर के कब्रिस्तान फिर उधर से आएंगे उसके बाद आप लोग से आकर के मिलेंगे। लेट्स गेट स्टार्ट। A few moments later. तो अभी हम लोग पहुँच चुके हैं दरगाह के पास कब्रिस्तान। चलते हैं डायरेक्ट अंदर। अब हमने बाइक वहाँ पे पीछे पार्क कर लिए चलो चलते हैं अंदर। तो गाइस ये रहा दरगाह का मेन गेट और देख सकते हो अंदर में काफ़ी भीड़ है। और हाँ गाइस यहाँ पे सबसे खास बात ये कि अभी सब मास्क पहन करके आए हुए तो यहाँ पे अभी मतलब सारे कोई सेफ्टी बरत रहे हैं अपना और सब कोई ईद की नमाज़ पढ़ के डायरेक्ट दरगाह ही आए हैं अपने जो पर्दा फरमा गए अपने घर से दुरूद पढ़ने के लिए फातिहा पढ़ने के लिए। तो चलिए चलते हैं अब घर। तो फिलहाल अभी आ चुके हैं हम कब्रिस्तान से वापस और मेरे घर पे भी आया हुआ आजम अली खान है ना। कहाँ देख रहा है इधर देखो इधर देखो अल्लाह कार्टून हो एक नंबर का एक पूरा कार्टून है ना एक नंबर का कार्टून हो गया ये है कि नहीं। बोलो हाय बोलो ईद मुबारक। ये देखो हंस रहा है। सो गाइस कुछ इस तरह बीता हम लोग का इस साल का ईद। तो कुछ था नहीं लॉकडाउन था तो घर पे ही थे ज़्यादातर कोई मेहमान भी ज़्यादा आया नहीं। वैसे घर के काम बहुत सारे थे। वैसे मेरे कुछ दोस्त आए थे जिसमें से सर जी भी आए हुए थे तो मैं आगे फ़ोटोज़ लगा दूंगा आप लोग देख लेना बहुत सारे ईद में हम लोग ने फ़ोटोज़ क्लिक कराए। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को यह ब्लॉग पसंद आएगा। पसंद आएगा तो एक लाइक कर देना चैनल पर सब्सक्राइब कर लेना और घंटे कर देना और ना भूलना। तो मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट ब्लॉग में तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम टाटा बाय बाय।